बड़वानी जिले के सरदार सरोवर डूब प्रभावितों के साथ हुई विसंगतियों को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक ओर जहां पूरा गांव डूब प्रभावित माना गया और सभी को मुआवजा दिया गया, लेकिन गांव के एक घर को डूब प्रभावित नहीं माना और ना ही मुआवजा दिया गया, लेकिन गांव में बसे एक घर को सुविधा देने के लिए सरकार ने 2 करोड़ के टेंडर सहित सड़क और पुलिया निर्माण के दिए थे निर्देश। हद तो तब हो गई जब सरकार ने इस घर से लगे राम मंदिर के पुनर्निर्माण का मुआवजा दे दिया, लेकिन मकान मालिक को डूब प्रभावित नहीं माना। अंधेर नगरी चौपट राजा, यह कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन हम आपको इसका जीता जागता उदाहरण आज दिखाने जा रहे हैं। जी हां, सरदार सरोवर डूब प्रभावितों को मुआवजा बांटने में कई तरह की विसंगतियों का मामला नर्मदा बचाओ आंदोलन के लोग बार बार उठाते आए हैं, लेकिन हम आपको जो आज खबर दिखाने जा रहे हैं इसे देखकर आपको मुआवजा बांटने में हुई लापरवाही का सच सामने आ जाएगा। अंजड़ के समीप बसा ग्राम दत्तवाड़ा, इस गांव को पानी ने चारों ओर से घेर लिया है और यह गांव एक तरह से टापू बन चुका है। जैसे जैसे जल स्तर बढ़ेगा इस गांव की समस्याएं बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी भी इस गाँव में 20 से 25 परिवार डटे हैं, जिसका कहना है कि किसी को प्लाट नहीं दिया गया है, तो किसी को प्लाट दिया तो उसे 5,80,000 का पैकेज नहीं दिया। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। दशरथ सिंह सोलंकी। कहाँ रहते हैं? दत्तवाड़ा। ये मुआवजा नहीं मिला, क्या है पूरा माजरा है? मैं नर्मदा आंदोलन से जुड़ा हुआ था, मेगा पाटकर के साथ में रहा, इसलिए मतलब जो है पूरे गांव में एक मकान का सर्वे नहीं अभी तक किया। कई आपके मकान का? मेरे मकान का। और आज की स्थिति ये है कि पूरे गांव मतलब जो है टापू बन रहा है और अभी भी फिलहाल यहाँ कम से कम 25 से 30 परिवार रह रहे हैं कई। तो उन लोगों को मुआवजा तो मिल गया, बाकी मतलब जो है 5-80 ना मिले और कुछ लोगों को प्लाट भी नहीं मिले, इसके कारण वो लोग भी यहाँ अभी बस रहे हैं। पर पानी का वाटर लेवल अगर कभी 139 मीटर से ऊपर बढ़ा तो पूरे लोग यहाँ प्रभावित होंगे कई, और एक भी नहीं बचेगा। अभी क्या स्थिति है पूरे दत्तवाड़ा की? अभी स्थिति ये है कि खाली 2 मीटर पानी और बढ़ जाए तो मतलब जो है गांव टापू बन जाएगा और कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अभी रास्ते बंद हो गए क्या? रास्ते बंद होने में अब सिर्फ 1-2 मीटर की कसर है। अभी रास्ता मुख्य रास्ता बंद हुआ है? मुख्य रास्ता बंद हो चुका है पूरी तरह। अभी आना आवागमन कैसे क्या कर रहे हो? आवागमन मतलब जो है मोहिपरा के उधर से घूम के आ रहे हैं, 2-3 किलोमीटर मतलब चक्कर काट के। शासन से क्या मांग है आपकी? शासन से हमारी ये मांग है कि हमको तुरंत यहाँ से उठा के और पुनर्वास भेजा जाए। मुआवजा वगैरह? मुआवजा तो देंगे जब भी उठेंगे, बगैर मुआवजे से कैसे उठ जाएंगे। कितने लोग डूब में गए? ये यहाँ पूरा गाँव डूब में गया है। कितने बच्चे अभी हैं यहाँ पे? एक अकेला मकान मेरा है जिसका मुआवजा नहीं मिला है, सर्वे नहीं हुआ है, बाकी का दूसरे लोग गरीब लोग हैं उनका भी 5-80 का पैकेज बाकी रहेगा, 15-20 मकान है। बाकी पूरा गांव खंडर में तब्दील हो गया है, रात को रात भर जंगली जानवरों से रात साय साय करती है, रहना दुर्भर हो गया है यहाँ पे। बाकी आसपास सबको मिल गया मुआवजा? सबको मिल चुका है। ये जो मकान है इसका भी खंडर पड़ा है? इसका खंडर का भी मिल चुका है, इसका 5-80 का पैकेज भी मिल गया है और सर्वे करके इसका पूरा मुआवजा भी। मंदिर का भी हो गया? मंदिर का भी हो गया है। फिर आप अभी आना जाना कैसे करते हैं? घूम के जाना पड़ता मोहिपुरा पैसे। तो आपने विरोध भी किया था कंस्ट्रक्शन का, किस बात को लेकर करा था? इसी बात का करा था कि जो चीज़ 5 लाख की मुरूम में जो रास्ता बन रहा है 500 फीट का, उसको घुमा के 3 किलोमीटर घुमाने की जरूरत नहीं थी। ये अफसरशाही और नौकरशाही की मिलीभगत, ठेकेदार की मिलीभगत से ये पूरा काम हुआ है, राजनीतिकरण करके ना ये करा गया है इसको। ये भी तुम यहाँ रह रहा, तुम कैसा रह रहा? तुम पानी की व्यवस्था कहाँ से कैसा लाओ? पानी पानी कहाँ तक गए तुम्हारे घर का? ये आसपास पानी ही हुआ, पूरा आसपास ही हुआ। तो क्यों नहीं रह रहा तुम यहाँ से? कहीं नहीं रहा, वहाँ का ही करें, पैसा देख तभी जाओगे। मकान का है समस्या है, अभी तो हमारे को 5-80 मिले भी नहीं, और दूसरी समस्या है बहुत गंभीर है हमारे यहाँ पे, और अभी भी ऐसी ऐसी सुविधा है कुछ भी है भी नहीं, परेशान से रह रहे हैं। कब तक नहीं हटोगे फिर आप यहाँ से? जब तक अभी हमारे को इसका 5-80 नहीं मिलेगा तब तक हटेंगे नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।